नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहिल फ्रीडिस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी अपने डीडी फ्रीडिस के MPEG2 सेटअप बॉक्स में नए चैनल ऐड करना चाहते हैं और ज्यादा चैनल्स को लाना चाहते हैं और चैनल नहीं ऐड हो रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा कि कैसे आप ऐड कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ऑटो स्कैन मैं कर रहा हूं और हमारे पास चैनल दोस्तों नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों क्या करना होगा, कैसे करना होगा, किस प्रकार से आप नए चैनलों को ऐड कर सकते हैं अपने MPEG2 डीडी फ्रीडिस के सेटअप बॉक्स में, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और दोस्तों हम आपको बताते चले, पिछली वीडियो के लकी भाग्यशाली सब्सक्राइबर हमारे है अजय जी, जिनको दोस्तों दिया गया है फुल HD सेटअप बॉक्स, आपको भी मिल सकता है अगर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो। दूसरे जो सब्सक्राइबर है राहुल जी है। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आप लोगों को बताते चले, दोस्तों हम सभी टीवी चैनल्स को यहां से कर देते हैं दोस्तों डिलीट। दोस्तों हमने अपने चैनल सारे डिलीट कर दिए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे आपको चैनल इसमें ऐड करने हैं। और दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमारे पास चैनल चल भी रहे थे और यहां पे दोस्तों यहां से भी हम रेडियो लिस्ट से भी सारे चैनलों को कर देते हैं डिलीट। अब दोस्तों आपको करना यह है कि आपको आना है टीवी चैनल लिस्ट में और आपको आना है प्रोग्राम सेटअप में और दोस्तों आपको आना है यहां पर एड न्यू प्रोग्राम में। दोस्तों यहां पर आपको करना यह है कि आपको सिर्फ 9750 और उसके बाद से दोस्तों 11090 LNB फ्रीक्वेंसी ट्रांस फ्रीक्वेंसी डालने के बाद सिंपल रेट दोस्तों आपको 29500 यहां पे डाल देना है। दोस्तों आप यहां पर देखेंगे कि आपको यहां पर सिग्नल मिल गए हैं और सिग्नल काफी अच्छे आ रहे हैं, तो दोस्तों आपको यहां पर ओके कर देना है। दोस्तों आप देखेंगे 18 चैनल आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। और अब फिर आपको यहां पर लिखना है 470, बस आपको यही सब लिखना है दोस्तों। 11470 यही फ्रीक्वेंसियां लिखनी है जो मैं लिख रहा हूं। दोस्तों यहां पर लिखने के बाद आपको इसे भी ओके करना है, फिर 18 चैनल आपको मिल जाएंगे, ये टोटल चैनलों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 36। दोस्तों अगली फ्रीक्वेंसी आपको लिखनी है दोस्तों 11510 और इस फ्रीक्वेंसी को डालेंगे दोस्तों और 20 चैनल हमें यहां पर रिसीव होंगे। दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं 20 चैनल हमारे पास आ चुके हैं। दोस्तों अब हम यहां पर आ जाते हैं। अब दोस्तों हम फिर से इस सेटिंग को करते हैं दोस्तों, यहां पर हम 11550 लिख देते हैं। यहां पर दोस्तों 20 चैनल हमें देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहां पर 20 चैनल हमारे पास आ गए दोस्तों। अब मैं यहां पर अगली जो फ्रीक्वेंसी है उसे डालता हूं दोस्तों 11170। इस फ्रीक्वेंसी को डालने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं 80% सिग्नल है, इसे ओके करते हैं दोस्तों। और यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे पास 18 टीवी चैनल हमारे पास आ चुके हैं। अगली जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऐड करनी है दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हैं 11270, यहां पे 27500 यहां पे डालनी है दोस्तों। और यहां पे LNB टाइप 2 कर देना है और यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं 30% सिग्नल है। और यहां पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे पास काफी सारे चैनल्स हमारे पास ऐड हो चुके हैं। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप ये जो हमारे पास कुछ चैनल ऐड हुए हैं ये सब्सक्रिप्शन वाले चैनल हैं, अगर आपका इनका रिचार्ज है तो ही ये चैनल चलेंगे, वरना दोस्तों ये चैनल आपके पास नहीं चलेंगे। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं आपको इसका सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है। दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर हमारे पास काफी अच्छे चैनल चल रहे हैं, यहां पर आप लोग देख सकते हैं काफी बेहतरीन टीवी चैनल हमारे देखने को मिल जा रहे हैं। दोस्तों पूरे चैनल लिस्ट आप लोग देख लीजिए, सारे चैनल हमारे पास ऐड हो चुके हैं दोस्तों, एक एक चैनल आप लोग स्क्रीन पर देखने को मिल जा रहा है। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से आप नए नए चैनल्स को ऐड कर सकते हैं अपने डीडी फ्रीडिस के MPEG2 सेटअप बॉक्स में। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।